बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर खुलकर बात की। अब आपको बता दें दोस्तों कि अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कैनेडियन सिटीजनशिप रखता हूँ, इसके बावजूद मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे करता हूँ। लल्लन टॉप से एक बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने कहा, मैं इंडियन हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और मैं हमेशा यही रहूँगा। अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप के बारे में वो कहते हैं कि एक समय था जब मेरी फिल्मों ने काम करना बंद कर दिया था और मैंने सोचा था कि मैं अब कैनेडा शिफ्ट हो जाऊंगा और वहीं कुछ काम करूंगा। इसके बाद कम से कम 14 से 15 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, तो मुझे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। अक्की ने पोर्टल से बात करते हुए बताया कि उनके एक दोस्त ने उनको ये कहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से कैनेडा मूव कर जाना चाहिए क्योंकि उनका जो करियर है वो अनसक्सेसफुल हो चुका है इंडिया के अंदर, और तभी उन्होंने कैनेडा का सिटीजनशिप लिया अक्षय कुमार के दोस्त के कहने पर, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ और काम की तलाश में जाने वाले थे। बहरहाल आखिरकार अक्षय कुमार ने अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली और अप्लाई कर दी। ये एक महज पासपोर्ट की तरह, अक्षय कुमार कहते हैं, जैसे किसी भी दूसरे देश का पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसी तरीके से सिर्फ एक पासपोर्ट है। मैं दिल से इंडियन हूँ, मैं यहीं रहता हूँ और मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं यहीं काम करता हूँ। मैं अपने देश के लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं अपने देश को ही वापस भी पैसा लौटाता हूँ, बराबर टैक्स भरता हूँ। वहीं अपने वर्क फ्रेंड की बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन उनकी सबसे अजीज फिल्मों में से एक है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं रक्षाबंधन देखने के बाद, या फिर आप देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।